Question number 14. In what ratio the line joining minus 1, 1 and 5, 7 divided by the line x plus y is equal to 4. बच्चों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो लाइन सीडी है, फिगर मैंने बना दिया है और नाम भी दे दिया है कि x प्लस वाई, मान लीजिए सीडी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये ए बी को किस रेशो में डिवाइड करती है, मान लिया चूंकि हमने के रेशो 1 में डिवाइड करती है, ओके तो हमें वो रेशो बताना है ना। सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा बच्चों यहां, लेट के रेशो 1, लेट रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू के रेशो 1, ये रेशो बच्चों। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम पता कर सकते हैं बच्चों, बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम है ना बच्चों, इसे ऐसे पता कर पाएंगे आप, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 5 के अपॉन के प्लस 1 और 1 इंटू 1 7 के अपॉन के प्लस 1, ये हो जाएगा बच्चों 5 के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 7 के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। लेकिन बच्चों पॉइंट एम लाइन सीडी पर भी लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा है ना, पॉइंट एम लाइज ऑन लाइन फर्स्ट, ओके तो सेटिस्फाई करेगा, एक्स की वैल्यू ये रखेंगे जबकि वाई की वैल्यू ये, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 और 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4, समझ में आ रहा है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, k प्लस 1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 4 k प्लस 1, तो हो जाएगा बच्चों 12k, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और 4k प्लस 4 इसे इस तरफ ले आए तो हो जाएगा 8k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4 बाई 8 मतलब 1 अपॉन 2, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेशो 1 या 1 रेशो 2, और ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा बच्चों को।